गाइस फाइनली हम लोग राम सखी इंटर कॉलेज पर आ चुके हैं और ये देख सकते हैं राम सखी इंटर कॉलेज। और मेरा वाइवा प्रैक्टिकल सब हुआ था, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रहा था। तो आप लोग हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आइए आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो भाई मैं अच्छा नहीं हूँ, तो आपने सही सुना, मैं अच्छा नहीं हूँ। क्यों अच्छा नहीं हूँ? क्योंकि भाई मेरे ऊपर एक पहाड़ टूट के गिर चुका है। वो वाला पहाड़ नहीं जो आप समझ रहे हो, एक दूसरा पहाड़ है। अच्छा, हमको सिखा दिया है, अभी बताने वाला हूँ। तो भाई मैं क्या ही कहूँ, जिंदगी में इतना बड़ा दुख आ गया है ना, वो दुख कभी आया ही नहीं था। भाई मैं क्या ही कहूँ यार, बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। कल से ना मेरे को नींद अच्छे से नहीं आ रही है। क्या ही कहूँ, इतना बड़ा टेंशन आ गया ना भाई मेरी जिंदगी में कि यार, वो दो तीन साल पहले वो टेंशन आया था, वो टेंशन फिर आज आ गया है भाई, मैं बता नहीं सकता। तो अभी अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। चलते हैं घर पे, फ्रेश व्रेश होंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या बात है और क्या बात नहीं है। भाई मैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, क्या होगा मेरे साथ, क्या नहीं होगा। तो चलते हैं, नाश्ता वास्ता करेंगे, उसके बाद में आपसे मिलता हूँ। तो ब्लॉग में बने रहें, क्योंकि ब्लॉग में ना आज मैं अपना दुख बताऊँगा आपको, मेरा दुख कैसा है क्या है। तो मिलते हैं मुँह धोने के बाद, बाय। तो गाइस फाइनली तुम्हारा भाई पूरा रेडी हो चुका है। जैसे कि मैंने बताया था कि मुंह धोते हैं घर पे चल के, तो मैंने मुंह धो लिया है और नहा भी लिया है, और उसके बाद खाना वाना खाते हैं। खाना वाना खाने के बाद चलेंगे उधर खेत की तरफ। तो आपसे कुछ बातें भी करनी है मुझे, तो कुछ बताना है कि भाई मेरे पास कितना भी दर्द है। ये दुख का खत्म नहीं होता बे, और आपसे मैं तुम्हें बांटता हूँ अपना दर्द। बोले तो चलते हैं, पहले नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर उसके बाद मिलते आपसे, ठीक है? तो अभी के लिए बाय। तो गाइस फाइनली हम लोग घर से आ चुके हैं और नाश्ता वगैरह जो है हमने कर लिया है। और आया था खेत की तरफ, तो मैंने सोचा आपके साथ बैठ के कुछ बात बात करते हैं। बट फोन आ गया दीदी का ना, कि दीदी की लड़की को ना कुत्ते ने काट दिया है, अब तो सुई लगवानी जानी पड़ेगी ना। तो अभी फिलहाल जाते हैं सुई लगवाते हैं, उसके बाद आके मैं आपसे बात करता हूँ। भाई वो रो रही है, तो चलते जल्दी जल्दी से सो जाए। आज अस्पताल में, तो ये है वो अस्पताल सिकंदर, और इसी को ना काटा है। तो यहाँ पर पर्ची वर्ची कटवाते हैं, पर्ची कटवाने के बाद भाई फाइनली हम लोग डॉक्टर के पास गए थे। तो ये देखिए सरकारी अस्पताल कैसे रूल है ना, कि सुई भी बाहर से लानी पड़ रही है। जब कुत्ता काटता है तो 5 रुपये की आपको सुई बाहर से मेडिकल से लानी है, अंदर से नहीं मिलेगी। बस ये लोग सुई लगाएंगे, तो चलते हैं यहाँ पर सुई लगाते हैं, फिर देखते हैं। तो भाई भाई फाइनली हम लोगों ने सुई लगवा ली है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोचा है। साला 500 रुपये की दवाई बाहर से लेनी पड़ी, और नाम है कि सरकारी अस्पताल है, क्या है अस्पताल का फ़ायदा कुछ है, कुछ नहीं है। बस 1 रुपये की पर्ची भी कटवाओ और उसके बाद सारी दवाई बाहर की लिखते हैं, अंदर से कुछ भी नहीं दे रहे भाई। बस एक पैरासीटामोल दी है और कुछ नहीं दिया है, और सुई लगाई भी है तो उसके भी 30 रुपये ले लिए, और 5 रुपये की सुई मैं बाहर से खरीद के खुद लेकर आया हूँ, क्या ही कहें। चलते हैं घर पर, अब बात करते हैं आपसे, बाय। तो भाई फाइनली हम लोग घर पर आ चुके हैं, और भाई पूछो मत अस्पताल का, तो यार सीन ही समझ में नहीं आ रहा था यार, ऐसे भी कोई होता है? छोड़ो वो सब छोड़ो, तो मुझे आप सबसे ये बात करनी थी ना, कि भाई मैं क्या कहूँ, बहुत ज़्यादा ना डरा हुआ हूँ, नर्वस भी हूँ कि यार मेरा बोर्ड का पेपर है 12th का, और कैसे दें कैसे नहीं। अभी मैंने प्री बोर्ड दिया है, और मेरा वाइवा प्रैक्टिकल सब हुआ था, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रहा था। बहुत कुछ है कहना तो, बट क्योंकि मैं अभी चला गया था सिकंदरपुर, तो ब्लॉग को ना मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। तो फिलहाल जल्दी से जल्दी चलते हैं हम लोग स्कूल पर, चलते हैं सेंटर दिखाता हूँ मेरा सेंटर कहाँ गया है, कहाँ नहीं, कैसा स्कूल है, तो हम भी देख कर आते हैं। मैं अभी तक गया नहीं, मेरे सारे दोस्त चले गए हैं, और कल गए थे संडे को, तो मैंने सोचा नहीं मैं मंडे को जाऊँगा, उस दिन देखता हूँ स्कूल कैसा है कैसा नहीं। तो जल्दी से चलते हैं स्कूल के पास, फिर मैं आपको वहाँ पर स्कूल पर मिलता हूँ। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना, और हाँ अब हो सकता है ना, हो सकता नहीं है, कोशिश पूरी करूँगा ना कि ब्लॉग
3 दिन 2 दिन बाद एक ब्लॉक तो डाल ही दूंगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। और फरवरी मार्च में से मैं रेगुलर हो जाऊंगा, रेगुलर ब्लॉक आएंगे। और वैसे भी फरवरी में भी आएंगे, कुछ कुछ आएंगे, तो मार्च में रेगुलर आएंगे। तो चलते हैं सेंटर पे अभी के लिए, बाय। तो गाइस फाइनली हम लोग घर से निकल चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं अभी सेंटर देखने। तो देखते हैं वहाँ पर छुट्टी वगैरह हुई है कि नहीं हुई। तो चलते हैं वहाँ पर देखने के बाद माहौल वहाँ का कैसा है, कैसा नहीं, स्कूल कैसा है, कैसा नहीं। तो मिलते हैं सेंटर पे। चल गाइस फाइनली हम लोग राम सखी इंटर कॉलेज पर आ चुके हैं और ये देख सकते हैं राम सखी इंटर कॉलेज, यही है जो स्कूल है खेतों के बीच में भाई, राम सखी इंटर कॉलेज। तो देखते हैं हम लोगों को अंदर जाने देते हैं या नहीं। तो चलते हैं अंदर, अंदर से देखते हैं स्कूल कैसा है कैसा नहीं। तो मिलते हैं अंदर। फाइनली हम लोगों ने परमिशन ले लिया, हम लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे क्योंकि अभी यहाँ पर ना लड़कियाँ वगैरह थी ना, तो हम लोग को अंदर आने नहीं देते थे। तो ये देख सकते हैं भाई, ये डेस्क है यहाँ की और ये क्लासरूम है, जो कि क्लासरूम आप सब देख सकते हैं यार, बहुत छोटा छोटा रूम है ये। तो भाई बहुत ज़्यादा छोटा रूम है और फिलहाल एक सीसीटीवी कैमरा है, एक आगे है और एक पीछे है। और ये देख सकते हैं ये दूसरी क्लास है यहाँ पर भाई, और भाई किसी लड़की की ना यहाँ पर बोतल छूट गई है। तो देख सकते हैं ये दूसरा क्लासरूम है, एक वहाँ पर कैमरा है और एक यहाँ पर कैमरा है। और और ये तीसरी क्लास, भाई अजीब तरीके से डेस्क है ना यहाँ पर, देख रहे हो ऐसी डेस्क है हमारी क्लास में और हमारे स्कूल में कसरों से गुड़ पढ़ाए जा रहे हैं भाई यहाँ पर क्लास में। और ये देख लीजिए एक क्लास हो, बस इतना ही है। अब लोग हम यहाँ से अब चलते हैं स्कूल, हमने घूम लिया है, ऊपर भी ऐसा ही है और नीचे भी ऐसा ही है, दोनों जगह सेम सेम है। और बाकी ये ग्राउंड है देख सकते हैं और ये स्कूल है। अब चलते हैं हम लोग घर की तरफ। तो आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट।